किसका माहौल है, एनडीए का या फिर महागठबंधन का? अरे बीजेपी जीतेगी सर, बीजेपी पक्का। बीजेपी का कौन सा काम पसंद है? क्या आपको नहीं पसंद है आप बताइए हमें, आपको आप जानते हैं आपका राय लेने नहीं, आपको है। क्या नहीं पसंद है आप हमें बताओ, आपका राय लेने ना हम आए, हम कैसे बता दे हमको क्या नहीं हमें पसंद सब है। कुछ पसंद है बीजेपी का, सब कुछ पसंद हाँ। है। महंगाई बढ़ रहा है, विपक्ष हमला कर रहा है कि महंगाई बढ़ गया, क्या महंगा हुआ है? क्या महंगा नहीं हुआ? आप 10-10 बच्चा पैदा करेंगे तो महंगाई नहीं बढ़ेगा? अच्छा मतलब 10-10 बच्चा पैदा करने में जी तो रुकेगा कैसे पॉपुलेशन? अरे भैया हम दो हमारे दो, सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये आलू का रेट, चावल का रेट, सब्जी के रेट के लिए हम लोगों ने नहीं चुना, नहीं चुना। जिस चीज के लिए हमने चुना था वो हमको मिल रहा है, तो क्यों नहीं जीतेंगे? क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा? आप देखिए धारा 370 को हटाना, धारा 370 किसी का मजाल नहीं था कि धारा 370 को छुए भी, उन्होंने धारा 370 को ऐसे हटवाया, मतलब नहीं ऐसे हटवाया, ऐसे बिल्कुल लगा कि कुछ भी है ही नहीं, इतना आसानी से हटाया। राम मंदिर का मुद्दा देखिए कितना दिन से चला आ रहा है, कितने लोग उस बलिदान हुए उस कारण, उसको कितना ही सफलतापूर्वक उसका जो है आयोजन कराया गया, तब भी उसमें लोग जो कहता है विपक्ष का लोग कह रहा है कि राम मंदिर बनवाने से पेट थोड़े भरेगा। अच्छा देखिए हाँ हाँ बात सही है भेट नहीं भरेगा, भैया सुनिए थोड़ा नहीं भरेगा। अच्छा ये बात बताइए कि यहाँ हम लोग आए हैं इस जहाँ जोन में, इससे किसी का पेट तो नहीं भरेगा, यहाँ फ्री में भी है मंदिर, जब बना है तो वहाँ अगर मंदिर बन गया उसके बाद में वहाँ पर कितना सारा दुकान खुला, वो दुकान कौन खोला है? बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जी नहीं, वहाँ के आम जनता है, वहाँ की आम जनता है वो, तो रोजगार बढ़ा, तो रोजगार बढ़ा तो कहीं ना कहीं जो पेट भर रहा है ना उसी से ना भरेगा, रोजगार भरने का मतलब है कि पैसा आ रहा है, अर्थ आएगा तो उसी से ना होगा, तो कहाँ से बताइए ना, मैंने अब दूसरा क्या हो सकता है, क्या व्यू लोग चाह रहे हैं? क्या कुछ कहिएगा जो मोदी के विरोधी है लगातार उस सवाल को, सब कहने दिखाई देता है। मोदी के विरोधी जो है ना यहाँ के लिए हम एक बात कहते हैं, बौरा गया है लोग, उन लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी देखिए ना यहाँ अभी तक यहाँ तक कैंडिडेट नहीं उतार पाया, लोग कह रहा है कि हाँ अरे भाई कोई नहीं है टक्कर में, तुम कैंडिडेट उतार लो, जीतेंगे राधा मोहन सिंह 5 लाख से जीतेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई नहीं है उनके टक्कर में, सही कह रहे हैं। क्या भाजपा का कौन काम पसंद है आप लोग का? अरे विपक्ष लगातार हमला कर रहा है कि लोग खाली राम मुद्दा है और महंगाई इतना बढ़ा दिया लोग। भाजपा का तो बहुत सारा काम है, बहुत सारा है, अब धरातल पर किसी का व्यक्तिगत काम नहीं हुआ है, लेकिन ये चरखा पार्क जो बना है राधा मोहन सिंह का देना है, कृषि विद्यालय जो बना है राधा मोहन सिंह का देना है, बहुत सारा काम जो है मोतिहारी की जनता राधा मोहन सिंह के साथ है। बिल्कुल राधा मोहन सिंह इस बार प्रचंड बहुमत से यहाँ से जीतेंगे, और राधा मोहन सिंह कोई नहीं टक्कर में है। महागठबंधन से अगर मुकेश सहनी खुद आते हैं तो उनका क्या हाल होगा? मुकेश सहनी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, सुपड़ा साफ हो बिल्कुल। देखिए लगातार हम लोग चुनाव यात्रा पर हैं, एक लोगों का अपडेट ले रहे हैं, बिहार एक सोच पर बने रहे, धन्यवाद।